तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन एक ऐसी योजना की बात करेंगे जिसके तहत युवा बेरोजगारों को सरकार द्वारा 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक हर महीने दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत ना केवल सरकार आपको स्किल सिखाती है बल्कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपको आर्थिक सहायता देती है और आपकी योग्यता के अनुसार सरकार आपको जो है 8,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति महीना आपको अनुदान करती है। पूरी जानकारी आपको इस योजना की मिलने वाली है कि इसमें आवेदन कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, पात्रता क्या लगती है, किस योग्यता के अनुसार आपको कितने पैसे दिए जाते हैं, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको योग्यता के अनुसार इस योजना में सरकार द्वारा कितने पैसे दिए जाते हैं। देखिए, अगर आप 12वीं पास है तो इस योजना के तहत आपको प्रति माह जो है 8,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं आपने IIT कर रखी है तो आपको जो है 8,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। वहीं जिनके पास डिप्लोमा डिग्री है उनको 9,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं और जिन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखा है और उच्च शिक्षण योग्यता जिनके पास है, डिप्लोमा जिनके पास है, उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और आगे बात कर लेते हैं इस योजना में। अब देखिए, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास मूल्यवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी ID प्रूफ होना चाहिए, शिक्षण योग्यता जो भी आपकी मार्कशीट है प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बैंक खाते की डिटेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज जो है आपके पास फोटो होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीखो और कमाओ योजना की। जी हाँ दोस्तों, सीखो और कमाओ योजना के तहत जो है आपको सरकार 8,000 से लेकर जो है 10,000 रुपए तक सरकार देती है। इसमें आपको अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग के दौरान सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो इसमें पात्रता है, जरूरी पात्रता है वो क्या है। इस योजना में जो है आप जो युवा है उनकी जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 29 वर्ष तक रखी गई है। आपको जो भी इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल सिखाई जाती है, उसमें किसी के पास भी आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, आप बेरोजगार होने चाहिए। इस योजना में जो है 5वीं से 12वीं और IIT पास होना आवश्यक है, यानी आपके पास 5वीं पास हो, 12वीं पास हो या IIT आपके पास होना चाहिए। योजना का लाभ केवल जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत युवा बेरोजगारों को जो है हर महीने उनको स्किल सिखा के प्राइवेट सेक्टर में स्किल सिखा के 8,000 रुपए से 10,000 रुपए सरकार देती है। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान भी आर्थिक सहायता दी जाती है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।